देख सकते हैं ये गोबरेले हैं जो कि बहुत मेहनत कर कर के ये गोबर जो होता है गाय का गोबर भैंस का गोबर उसका एक गोली बना करके ठेल ठेल के अपने बिल में ले जाते हैं। ये बारिश का टाइम हो गया ना तो बारिश के टाइम में बिल में रखेंगे और इसको आराम से खाएंगे, इसको इनका भोजन है ये। ये ऐसा ज़्यादातर बारिश के टाइम में करते हैं क्योंकि ये बारिश का टाइम होता है तो अदर जगह पे इनको खाने को नहीं मिलता, इसलिए स्टोर कर लेते हैं। बारिश का सीजन 4 महीने होता है, लगभग 4 महीने तक होता है, तो तब तक ये अपना खाना स्टोर करके अंदर रख लेते हैं बिल में ताकि अदरवाइज बाहर ना निकलना पड़े बारिश के टाइम में। आप लोगों ने तो गुबरेले और टिड्डे की कहानी सुनी ही होगी। टिड्डा आलसी होता है, गुबरेला ऐसे अपने भोजन को धो धो करके इकट्ठा कर लेता है अपने बिल में। अभी वहाँ पे 2 गुबरेले थे, अभी ये 1 गुबरेला हो चुका है, मतलब शायद इसका पार्टनर कहीं गया होगा कहीं दूसरी जगह भोजन की तलाश में। और इसको देख सकते हैं ये आगे से नहीं पीछे से, पीछे के पैरों से खेल रहा है ये गोली को, जो गेंद बना के जा रहा है, गोली ही समझ सकते हैं। ये छोड़ के उड़ गया। यहाँ पे बहुत सारे गुबरेले हैं, शायद थक चुका है, देख सकते हैं किस तरह से ले जा रहा अपने खाने को। इनको देख सकते हैं ये गोबर है से वही गोली जो बना के ले जाते हैं उसी को काटने आया है इनको ले जाने के लिए। देख सकते हैं ये किस तरह से गोबर बनाएगा। देख सकते हैं कट चुका है ये। देख सकते हैं किस तरह से बना रहा है। और इसमें इस गोबर में और बहुत सारे कीड़े हैं,